नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मर्स टॉकअप की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के बारे में, गन्ने की फसल में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक कोराजन के इस्तेमाल के बारे में, इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए जिससे हम एक अच्छे बेहतर रिजल्ट ले सकें और उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस प्रकार हमें इसका यूज करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना, आज की वीडियो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा दी गई कृषि संबंधित जानकारी आपको समय से मिलती रहे। गन्ने की फसल के लिए किसान भाइयों कोराजन एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और इसके एक आप अच्छे रिजल्ट भी किसान भाइयों ले सकते हैं यदि आपको इसके इस्तेमाल की अच्छी जानकारी दी जाए तो किसान भाइयों, और आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके आप अच्छे और लंबे रिजल्ट किसान भाइयों अपनी फसल में ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि किसान भाई काफ़ी किसान भाई इसके अच्छे इस्तेमाल के या जो सही तरीका है उसका इस्तेमाल ना कर पाने के कारण इसका आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। उसका एक मुख्य कारण है सही मात्रा का ना लग पाना, सही तरीके से स्प्रे ना हो पाना, या फिर सही समय से ना इस्तेमाल ना हो पाने का कारण, और भी काफ़ी विभिन्न कारण हैं किसान भाइयों जिससे इस दवाई के आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो किसान भाइयों इन्हीं सब बातों की समस्याओं को दूर करते हुए किसान भाइयों आज हम आपको सही तरीका बताने वाले हैं। वीडियो को जरूर देखना और लास्ट तक जरूर देखना किसान भाइयों, और लास्ट में हम आपको एक ऐसे नुक्ते के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप इस दवाई के साथ प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल जल्दी से ग्रोथ करेगी और जल्द ज़्यादा बढ़वार करेगी। तो किसान भाई पहले हम शुरुआत करते हैं कोराजन FMC कंपनी का आता है ये कोराजन, जो कि आपको मात्रा के रूप में लेनी है 150 ml। किसान भाई कोराजन में टेक्निकल साल्ट की बात करें तो इसमें आता है क्लोरो एंट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC। वैसे किसान भाइयों यह टेक्निकल आपको और भी विभिन्न कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे कि आपको बासप कंपनी का वेस्टिकोर के नाम से मिल जाएगा, UPL कंपनी का सेंजी के नाम से मिल जाएगा, धानुका कंपनी का कवर के नाम से भी मिल जाएगा, और भी काफ़ी कंपनियों का किसान भाइयों यह मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों आज जो हम बात करने वाले हैं वो FMC कोराजन के बारे में करने वाले हैं। ये सभी साल्ट एक मिक्स साल्ट हैं, सभी में समान साल्ट आते हैं और सभी की मात्रा आपको उसी प्रकार से लेनी है। तो आपके पास जो भी आपको मार्केट में जो मैंने कुछ नाम आपको चुनिंदा गिनवाए हैं जो भी आपको मिल जाए उसी प्रकार से वो भी इस्तेमाल उसी प्रकार से करने हैं। किसान भाई इसका इस्तेमाल का एक सीधा सिंपल तरीका है, आपको ये 150 ml जो लेनी है वो लेनी है 300 से 400 लीटर पानी किसान भाइयों आपको एक एकड़ के लिए लेना है। 150 ml की जो मात्रा है किसान भाइयों एक एकड़ के लिए है। अब बात करें इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपका इसका घोल अच्छे तरीके से बना लेना है 350 से 400 लीटर पानी तक आपको इसका अच्छे से घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद किसान भाइयों आपको जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो मशीन, या तो हाथ वाली हो या बैटरी वाली हो, उसके फुहारे को आपको ढीला कर लेना है, मोटा कर लेना है, जिसे किसान भाइयों आपको जो इसकी स्प्रे करनी है जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आपको इसका घोल बनाने के साथ ही किसान भाइयों धीरे 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 चाल में आपको कूड़ कूड़ पर इसकी स्प्रे करनी है, जिससे किसान भाइयों आपको जड़ों जड़ों में ही ये इसकी स्प्रे करनी है। आप उसी प्रकार किसान भाइयों चाल थोड़ी ढीली रखनी है, प्लस फुहारा जो है वो मोटा रखना है, जिससे किसान भाइयों आप आसानी से इसे कर सकते हैं और आपकी जड़ों तक पौधों की जड़ों तक पहुँचेगा। किसान भाइयों इसके करने के बाद ही किसान भाइयों हमें ध्यान रहे स्प्रे उसी प्रकार से करनी है जब हमें खेत में पानी देना हो। स्प्रे के तुरंत बाद ही किसान भाइयों हमें खेत में पानी दे देना है। किसान भाइयों आप जो इसका काम है, काम करने का तरीका ये है कि आपके जो जड़ों में दे चुके हैं उसकी नमी के द्वारा किसान भाइयों हमारी श्वसन क्रिया पौधे की चालू होती है, जिससे हमारा पौधा उस दवाई को तुरंत एब्जॉर्ब करेगा और पौधा जड़ से लेकर तने तक अपने उस कीटनाशक को प्रयोग की मात्रा में लेकर आएगा, जिससे हमारे पौधे में पूरी तरह से कीटनाशक फैल जाएगा और कोई भी कीट रोग लगने वाले काफ़ी विभिन्न प्रकार के कीट रोग होते हैं, जैसे कि तना छेदक रोग हो गया, सूट बोरर हो गया, कंसुआ रोग हो गया, चोटी भेदक हो गया, काफ़ी विभिन्न प्रकार के कीट रोग गन्ने की फसल में किसान भाइयों देखे जाते हैं, उन्हीं सभी पर एक अच्छे और एक बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों ध्यान रहे ये 150 ml एक एकड़ में लेनी है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ कूड़ कूड़ पर उसी प्रकार से स्प्रे करनी है, प्लस आपको 350 से 400 लीटर तक किसान भाइयों आपको इसमें पानी मिला है। किसान भाइयों स्प्रे तो आप विभिन्न प्रकार से आपने देखा होगा किसान लोग करते हैं, लेकिन ये जो स्प्रे मैंने आपको बताया ये बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट तरीका, और इससे जिससे आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। दूसरा किसान भाई जो मैंने आपको बताया कि इसके साथ आप मिला सकते हैं पौधा जिससे जल्दी ग्रोथ करे और लंबी बढ़वार ले, उसके लिए किसान भाइयों हमें इसमें साथ में मिला सकते हैं सिजेंटा कंपनी का आता है क्वांटिस,
जिसमें किसान भाइयों अमीनो एसिड बेस्ड प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट दो साल्ट आते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट वही है जो पौधे की एक पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं पौधे को ताकत देने के लिए। प्लस जो अमीनो एसिड बेस्ड है वो हमारी पत्तियों को हरा रखेगा, प्राकृतिक रूप देगा, जिससे हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण अच्छे से लेगा और अच्छी ग्रोथ किसान भाइयों करता हुआ नजर आएगा। इन ये जो लेना है हमें किसान भाइयों वह लेना है 1 लीटर। तो किसान भाइयों 150 ml कोराजन प्लस 1 लीटर क्वांटिस सिजेंटा कंपनी की आपको लेनी है। 350 से 400 लीटर पानी में मिलाकर किसान भाइयों आपको कूड़ कूड़ पर उसी प्रकार से आपको इनकी स्प्रे करनी है, जिससे आपको एक अच्छे और बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों जो बुएर में क्या इस्तेमाल करना चाहिए और खरपतवार में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इन पर भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल पर उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इस रोग का जो मैंने आपको बताया स्प्रे के द्वारा भी काम कर सकते हैं, प्लस बिखेरने के द्वारा भी काम करते हैं। बिखेरने में हमें कौन सा उत्पादन इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमने इस वीडियो पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमने उस पर भी पहले एक वीडियो बनाई हुई है। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।